नमस्कार दोस्तों, जो गाय भैंस बार बार रिपीट करती, बार बार हिट में आती और गया भी नहीं ठहरती, तो उसके लिए एक बड़ा ही खास फार्मूला है जो होम्योपैथी का फार्मूला है और एक डॉक्टर ने हमें बताया है और डॉक्टर का इस फार्मूले के साथ 90% तक रिजल्ट का दावा है। तो दोस्तों, गर्भाशय संबंधित है, बच्चेदानी से संबंधित है, कैसा भी रोग हो, समस्त रोगों में यह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी देखिए और एक साथ में बात आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सभी दवाइयाँ वनस्पतियों से बनाई जाती हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि केमिकल फ्री है, ये भी बिल्कुल एक देसी इलाज की तरह ही होम्योपैथी का इलाज है, लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया और मनुष्यों से ज़्यादा पशुओं में काम करता है। क्यों करता है वो सारी भी बात आज की वीडियो में होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दोस्तों, जब पशु बार बार हिट में आता है, बार बार तार बाल भी देता है और वह गया भी नहीं ठहरता, तो बड़ी समस्या हो जाती है और ऐसा पशु अंततः कहाँ जाता है आपको भी पता है। तो दोस्तों, एक बड़ा खास फार्मूला है, एक बड़ी खास दवाई, सिर्फ उसको खिलाने का ढंग और उस दवाई को हमें कहाँ रखना, सिर्फ इतनी सी सावधानी आप रख लें, उसके बाद वो पूरा काम कर जाती है। दोस्तों, जहाँ हमारे देश में मनुष्यों के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ मिलती हैं, होम्यो फार्मेसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप जाकर दो दवा लेकर आएँ और दोनों की पोटेंसी सेम रखनी है। उस दवा का नाम क्या है आपको स्क्रीन पर लिख कर भी मैं बता दूंगा और आप सुन भी लें, पल्सेटिला और क्रोकस स्टेट। ये दोनों दवाएँ हमें 200 पोटेंसी की लेकर आनी है और 30 ml की मात्रा में लेकर आनी है। अब ये खिलानी कैसे हैं दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में आएंगी, पानी की तरह दोनों दवाएँ होंगी। तो उनको पल्सेटिला की 5 बूंद सुबह हम रोटी पर डालकर अपने पशु को खिला दें, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ख्याल रखना है, होम्योपैथी की कोई भी दवा खिलाने से पहले हमें पशु को आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में उसने कुछ खाया पिया नहीं हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम ये दवा पशु को दें तो उससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में पशु ने कुछ खाया पिया नहीं हो। तो 5 बूंद पल्सेटिला जो दवा है इसकी रोटी पर डालकर अपने पशु को खिला दें और ठीक इसी तरह शाम को जो क्रोकस्टेट दवा है इसकी 5 बूंद निरंतर यही रूटीन रखें, 30 ml की मात्रा इसकी लेकर आएँ। विशेष जो सावधानी की बात है यह है कि ये दवाएं ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए जहां फिनाइल वगैरह की गंध हो, कपूर की गंध हो। सिर्फ इन दवाओं को रखने के लिए हमें वो सावधानी बरतनी है। और दोस्तों, होम्योपैथी का थोड़ा सा मामूली सा परिचय आपको दिखाऊँ आपके विश्वास के लिए कि इनका रिजल्ट पशुओं पर इतना अच्छा क्यों आता है, मनुष्य में होम्योपैथी की दवा इतनी ज़्यादा प्रचलित क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले जो बैन करता है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आप शराब वगैरह का सेवन नहीं करते हो, और यदि करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी, विशेष प्रकार की गंध से आपको बचना। और पशु नेचुरली ये सारी चीज़ें करता नहीं है, इसलिए होम्योपैथी की दवाओं का पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो भी पशु बार बार हिट में आता है, ये दोनों दवाएँ आप लेकर आएँ और अपने पशु को खिलाना शुरू करें। जब आपको लगा कि अब ये रिपीट कर गया, दोबारा हिट में आएगा, तो उससे पहले आप ये शुरू कर दें और अपने पशु को देते रहें। डॉक्टर ने बताया कि गर्भाशय के लगभग सभी रोगों का यह इलाज है, तो कैसी भी कंडीशन हो उसमें आप अपने पशु को ये खिला दें तो निश्चित ही आपका पशु गाभिन हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में करें, फेसबुक पेज पर करें, फेसबुक पर करें, आम पशुपालक तक ये बात पहुँच सके। और वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आए, साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लें और उसके बाद ऑल लिखा आएगा उसको दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान।